नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहली बड़ी खबर से, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए, जी हां, आपको बता दें कि ट्रेन यात्रियों को लगा है बड़ा झटका, रेलवे ने बढ़ाया किराया। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों के किराए को बढ़ा दिया है। रेलवे द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक कम दूरी के ट्रेनों के किराए को बढ़ाया गया है। रेलवे का किराया बढ़ाने के पीछे का तर्क ये है कि कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए किराए में बढ़ोतरी की गई है, ताकि ट्रेनों में ज्यादा लोग ना चढ़ सकें। चलिए, अब हम चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हाँ, आप सभी को एक और झटका लगने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि आम आदमी को लगा है बड़ा झटका। आज फिर से बढ़ गया गैस सिलेंडर का दाम, 3 महीने में 200 रुपये तक हो चुका है महंगा। दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने आम आदमी को एक और बड़ा झटका दिया है। तेल कंपनियों ने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के LPG गैस सिलेंडर की अब 769 रुपये से बढ़कर 794 रुपये पहुँच गई है। यानी कि अब आप सभी को एक बार फिर से गैस सिलेंडर पर ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। चलिए, अब हम बात करेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से गैस सिलेंडर और ट्रेन के प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक उसी तरह से हमारे देश में कोरोना वायरस भी बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस का बढ़ गया है खतरा। विभिन्न राज्यों ने जारी की है नई गाइडलाइंस। एयरपोर्ट जाने से पहले आपको जानना होगा नियम। भारत में लगातार कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के 3 राज्यों में 2 कोविड-19 वेरिएंट का पता चला है, जिसके बाद भारत में डोमेस्टिक हवाई यात्रा के लिए दिशा निर्देश को संशोधित किया गया है। महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना में कोरोना संक्रमित की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली ने चुनिंदा राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 नेगेटिव RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही अब अगर आप सभी एयरपोर्ट पर भी जाते हैं, तो वहां पर भी आप सभी को कई सारे नियमों को फॉलो करना होगा। बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, सब्जियों के कचरे से बनेगी CBG, पेट्रोल डीजल की अब नहीं पड़ेगी जरूरत। दोस्तों, हरी सब्जियां इंसान के सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि कार, ऑटो और SUV के लिए भी गुणकारी हैं। चौंकिए नहीं, यह सच्चाई है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने भले ही किचन का बजट बिगाड़ दिया हो, लेकिन किचन से निकलने वाली हरी सब्जियों का कचरा पेट्रोल और डीजल की मांग को अब पूरा करने में सहायक होगा। दरअसल, अब सब्जियों के कचरे से ईंधन यानी कि फ्यूल बनने जा रहा है, जो CNG की तरह काम करेगा और गाड़ियां सड़कों पर फर्राटे से दौड़ेंगी। तो कुल मिलाकर के ये वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी जीत है। बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो बिहार सरकार का बड़ा फैसला, दुर्घटना में दोषी ड्राइवर का रद्द हो जाएगा। दोस्तों, बिहार में बढ़ते सड़क दुर्घटना के मामले पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सड़क दुर्घटना में दोषी ड्राइवर का लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला कर लिया है। बिहार में जिस रफ्तार से सड़क दुर्घटना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए हाल ही में परिवहन मंत्री शीला मंडल और परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के लिए जिला परिवहन पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि अब जिस भी गाड़ी से एक्सीडेंट होगा, उसका जो ड्राइवर होगा, उसका लाइसेंस तुरंत ही रद्द कर दिया जाएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, 26 फरवरी को भारत बंद का हो चुका है आह्वान, कौन कौन सी सेवाओं पर पड़ेगा असर। दोस्तों, देश में व्यापारियों के मुख्य संगठन द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने कल यानी कि 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान कर दिया है। शुक्रवार को बंद का यह आह्वान ईंधन की बढ़ती कीमतों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ई-बिल आदि के विरोध में किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के 26 तारीख को भारत बंद का आह्वान हो चुका है, इसलिए आप सभी थोड़ा सतर्क रहना। बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, आपको बता दें, काफी बड़ी और सीधे काम की खबर निकल कर आ रही है। बता दें कि तुरंत हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट, बताना होगा कि पोस्ट करने वाले का नाम, 3 महीने में नया कानून आने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार भारत में जिस तरह से सोशल मीडिया पर काफी सारी ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, ऐसे में केंद्रीय IT एंड टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसमें इन्होंने बताया कि किसी भी तरह से अगर कोई सा भी गंदा कंटेंट डालता है सोशल मीडिया पर, तो उसको तुरंत ही हटाया जाएगा और साथ ही सजा का प्रावधान किया जाएगा। बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो बता दें, पाकिस्तान के लिए आज फैसले की घड़ी, तय होगा कि बचेगी अर्थव्यवस्था या फिर हो जाएंगे दिवालिया। आपको बता दें कि FATF आज लेगा पाकिस्तान पर फैसला। पाकिस्तान 3 साल से वॉच लिस्ट यानी कि ग्रे लिस्ट में बना हुआ है।
वॉच लिस्ट में आने वाले देशों को FATF कुछ शर्तों के साथ निगरानी में रखता है। FATF ने पाकिस्तान के लिए 27 शर्तें जारी की थीं, इसमें से 21 शर्तें ही पूरी हो पाई हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान की किस्मत का फैसला फाइनली FATF के हाथ में है। अब देखना है कि FATF पाकिस्तान पर क्या फैसला सुनाता है। इसी के साथ आज हम बात करेंगे आज के सोने चांदी के प्राइस की। तो जी हाँ, सोने की कीमत में 358 रुपये की हुई है गिरावट, चांदी में 151 रुपये की तेजी। दोस्तों बता दें कि शुक्रवार को सोने की कीमत में 358 रुपये की गिरावट आई है, जिसके बाद राजधानी में फाइनली पीली धातु की कीमत 45,959 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच चुकी है और बुधवार को इसका जो प्राइस था वो 46,300 प्रति 10 ग्राम पर था। इसी तरह से चांदी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिससे निश्चित ही अब लोगों को थोड़ी राहत मिली है। बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रहने वाले हैं नीरव मोदी। लंदन की अदालत ने दी है प्रत्यर्पण की मंजूरी। जी हां, आपको बता दें पंजाब नेशनल बैंक में अपने मामा मेहुल चौकसी के साथ मिलकर 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला करने वाला हीरा कारोबारी नीरव मोदी को प्रत्यर्पण पर मुंबई लाया जाएगा। इस संबंध में मुंबई में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक से फ्रॉड करने के बाद देश छोड़कर भागने वाले नीरव मोदी को मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखे जाने की तैयारी है। बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, आपको बता दें यूपी चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं प्रियंका गांधी। घोषणा पत्र को लेकर दिल्ली में की है अहम बैठक। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुट चुकी हैं और इसके साथ ही इन्होंने पूरी तरह से कोशिश कर ली है कि इस बार का उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें इनकी पार्टी को एक बड़ी जीत मिले। बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते का पालन करने को राजी, सेना ने कही है बड़ी बात। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पर संघर्ष विराम के लिए पूरी तरह से राजी हो चुके हैं। दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों DGMO के बीच हॉटलाइन पर 24 और 25 फरवरी की मध्य रात सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर के देखने को मिल रहा है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधर रहे हैं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, आपको बता दें कि आज टीम इंडिया ने बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस करके इंग्लैंड को बहुत बुरी तरह से हराया है। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया के लिए ये बेहद ही मुश्किल मुकाबला था, लेकिन बावजूद इसके टीम इंडिया ने अपने ही देश में इंग्लैंड को बुला करके और बहुत बुरी तरह से हराया है, जिसके बाद निश्चित ही अंग्रेज अब भारत आने से पहले जरूर एक बार अच्छी प्रैक्टिस करके आएंगे। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने दूसरे दिन ही इंग्लैंड को बहुत बुरी तरह से हरा दिया, जिसके बाद इंग्लैंड के कप्तान का ये कहना है कि उनकी टीम के साथ कुछ भी इस मैच में अच्छा नहीं हुआ है। इसके साथ ही इंग्लैंड जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस चल रही थी उससे भी बाहर हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी आज स्कूटी चलाती हुई नजर आई हैं। बता दें कि ममता दीदी का नीला हेलमेट और इलेक्ट्रिक स्कूटर ये बाल बाल गिरने से भी बची थी। दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी पूरी तरह से प्रयास कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में होने वाले इलेक्शन में वो जीत हासिल कर पाएं और इसी वजह से आज ये स्कूटी चलाती हुई नजर आई थी। अब देखना है कि लोगों को इनका ये स्कूटी ड्रामा पसंद आता है या फिर नहीं। तो यही था इस वीडियो में, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी खबरें अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।